Yes, Jai Mata Di students, a very good morning, good afternoon, good evening to all. Now, today's topic is Delta to Star, Star to Delta transformation. तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की नीड क्यों हुई हमें. एक्चुअली क्या था कि हमारे पास जब मैश एनालिसिस केवीएल मेथड्स थी ना, तब क्या हुआ कि ना जो सर्किट्स की इक्वेशंस थी सोल्व करने की, कई सर्किट्स के अंदर बहुत ज्यादा आ रही थी, अबाउट 3, तो उसको सोल्व करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा था. हमने क्या किया, उस नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया. एक्चुअली ये क्या करता है, एक नेटवर्क को रिड्यूस कर देता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके डेरिवेशन को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल को. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मोर वीडियोस के लिए अपडेट रहिए. राइट, तो हम डिस्कस करते हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन. सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एक डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन बना दी. अब इस डेल्टा के अंदर क्या किया, मैंने नाम दिया RAB, इस ब्रांच को नाम दिया RAB, इस ब्रांच को नाम दिया RBC और इस ब्रांच को नाम दिया RCA. ठीक है, तो इसके अंदर ही मैं क्या कर रहा हूं, इस एक स्टार कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूं जो कि है RA, RB एंड RC. ओके, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक AB ब्रांच ले लेता हूं. ओके, पहले मैं AB ब्रांच के क्रॉस सोल्व करता हूं. इसको सोल्व करने के लिए तो मैं लिख देता हूं सोल्व फॉर AB ब्रांच. ओके, जब हम इस ब्रांच को सोल्व करते हैं हम अपने स्टार और डेल्टा कनेक्शंस के बारे में बताते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, इन स्टार और डेल्टा की वैल्यूज को इक्वल बताएंगे इस केस के अंदर. ठीक है, अब स्टार के अंदर क्या हुआ, RA और RB, जब हमने बात करी AB ब्रांच की तो RA और RB एक सीरीज में कहा जाती है. ओके, अब डेल्टा जब हम बात करते हैं तो ये जो RAB है ना, ये पैरेलल में होती है RCA और RBC के. ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई कैसे करना है, RA + RB, ये जो पैरेलल कनेक्शन है इसको सोल्व करना है. पैरेलल के अंदर हम क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई. और नीचे एडिशन ऑफ दीज 3. तो मैं RBC + RC लिख देता हूं, एक ही बात है. ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं. राइट, नाउ अब मैं बात कर रहा हूं BC ब्रांच के रिगार्डिंग. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, दिस RBC, सॉरी हम पहले स्टार की बात कर रहे थे, तो RB + RC इज इक्वल टू RBC पैरेलल विद RAB + RCA. तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, RB + RC इज इक्वल टू RBC RAB RCA. नीचे क्या होगा, तीनों का एडिशन, तो मैं एडिशन के केस में सेम फॉर्मेशन ले लेता हूं. सेकेंड इक्वेशन. ओके, नाउ अक्रॉस AC ब्रांच, फिर हम लिखेंगे सबसे पहले स्टार की बात, स्टार के बारे में, RA + RC इक्वल टू RCA पैरेलल विद RBC + RAB. ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, RA + RC RAB, ऑर्डर में वैल्यू करूं इसको, ये 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सबट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, जब हम सबट्रैक्ट करेंगे RA + RB + RB + RC. ओके,
सब्ट्रैक्ट के केस में क्या हो जाएगा, माइनस आर बी माइनस आर सी, जब हम इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि आर बी जो है और कैंसल हो जाएगी, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या होगा, आर ए माइनस आर सी, ठीक है। और इधर भी क्या होगा, माइनस आर बी सी आर ए बी माइनस आर बी सी आर सी ए। अब देखो माइनस की बात बारे में बात हो रही है, यहां पर क्या आर ए बी आर सी आर ए बी आर बी सी, आर ए बी आर बी सी यहां भी है, आर ए बी आर बी सी यहां भी है और माइनस में है, तो कैंसल आउट हो जाएगी, आपके पास क्या बचेगा, आर ए बी आर सी ए, ओके, माइनस आर बी सी आर सी ए, और डिवाइड में तीनों वैल्यूज आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी ए, ये हमारे पास आ जाएंगी। क्लियर है ये बात सभी को, तो मैं आपको शो कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, डन। मैं ये पार्ट रब कर रहा हूं। मैंने क्या किया, पहले सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों को, अब थर्ड इक्वेशन के अंदर भी आर ए प्लस आर सी, ओके, और हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर भी क्या आ रहा है आपके पास, आर ए माइनस आर सी, ओके, ये वाली वैल्यूज आ रही है हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी और ये हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व थर्ड एंड फोर्थ, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ऐड करेंगे कह सकते हैं हम, ये हमारे पास आर सी प्लस है, ये माइनस में कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा, ट्वाइस ऑफ आर ए, ओके, यहां पर जो टर्म है माइनस आरबीसी आरसी है, यहां पर भी आरबीसी आरसी, ये कैंसल आउट हो गई, क्या टर्म बची आपके पास, आर ए बी आर। नाउ इन दिस केस आर ए बी आर सी ए प्लस आर ए बी आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी ए, ओके, इसका मतलब क्या हो गया, दिस आर ए ट्वाइस ऑफ दिस आर ए बी आर सी ए, आर ए बी आर बी सी आर सी ए कैंसल आउट दिस ट्वाइस, ओके, तो आपके पास आर ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर ए बी आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी ए, ओके, दिस वन। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, आर बी और आर सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, किससे, इन्हीं तीन इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री से हमने सोल्व करना है। तो मैं आपको सिमिलरली करके बता देता हूं क्या हुआ एक्चुअल में, मैं कंसेप्ट ले रहा हूं आपके पास, एक कंसेप्ट है, जब मेरे पास डेल्टा कनेक्शन था दिस वन और बीच में मैंने स्टार ड्रॉ किया था, तो मैंने नाम दिया था ए बी सी आर ए बी आर सी ए और ये क्या था आर ए आर बी आर सी और ये क्या हो गया आर बी सी। जब मैंने बात करी आर ए की दिस, तो रिजल्ट क्या था आर ए बी इंटू आर सी ए, इसका मतलब क्या हो, ये जो कनेक्टेड हो रही है आर ए या ए पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय इन तीनों का एडिशन, तो ऐसे क्या होगा आर बी की, जब मैं बात करूंगा सिमिलरली आर बी, आर बी के अंदर क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आर ए बी इंटू आर बी सी डिवाइड बाय आर ए बी आर बी सी आर सी ए, ओके, सिमिलरली आर सी, अगर मैं इसकी बार बात करता हूं तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आर बी सी प्लस सॉरी आर बी सी इंटू आर सी ए डिवाइड बाय आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी ए, ओके, तो हमने ये क्या किया,
स्टार की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ डेल्टा. ओके, स्टार की वैल्यूज को कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा. अब मेरे पास जो इक्वेशंस आई है, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7, मैं इनको सोल्व करूंगा और किसकी वैल्यूज निकालूंगा, डेल्टा की वैल्यूज निकालूंगा. क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं 5 और 6 को. ठीक है, डिवाइड 5 बाय 6, हमने इन दोनों को डिवाइड किया, आर ए डिवाइड बाय आर बी. ठीक है, तो क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो सेम है दोनों के अंदर, तो कैंसल आउट हो जाएंगी और आपके पास क्या बचेगा, न्यूमिनेटर. न्यूमिनेटर के अंदर भी क्या हुआ, आर ए बी जो है सेम है, तो रिजल्ट क्या बचेगा, आर सी ए डिवाइडेड बाय आर बी सी. ठीक है, तो यहां से मेरे पास आर सी ए की वैल्यू आ जाएगी आर ए डिवाइडेड बाय आर बी इंटू RBC. तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8 दे देता हूं. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, RA को RC के साथ डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड 5 एंड 7. ओके, RA डिवाइडेड बाय RC, फिर अगेन डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, RC कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, RAB अपॉन RBC. तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर ए बी की आर ए डिवाइडेड बाय आर सी इंटू आर बी सी. ओके, क्या आ गई आपके पास, 9. मैंने क्या किया, आर ए बी भी निकाल लिया, आर सी भी निकाल लिया. ठीक है, अब 8 और 9 इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दीजिए. पुट 8 एंड 9 इन इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 5 में जैसे ही हम पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आर ए इज इक्वल टू आर ए बी की वैल्यू, आर ए बी की वैल्यू और आपके पास ये है आर ए डिवाइडेड बाय आर सी इंटू आर बी सी मल्टीप्लाई बाय आर सी ए. आर सी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 8 में है, आर ए डिवाइडेड बाय आर बी इंटू आर बी सी. तो आप डिनोमिनेटर में भी वैल्यू रख सकते हैं, आर ए डिवाइड बाय आर सी इंटू आर बी सी. ओके, प्लस आर बी सी आर ए आर बी सी. ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं, नीचे नेचुरल सी बात है आर बी सी कॉमन आ जाएगा. ठीक है, तो यहां पर आपके पास टर्म आ जाएगी आर ए आर सी अगेन आर ए आर बी. ठीक है, और एक आर बी सी डिवाइडेड बाय आर बी सी को मैंने कॉमन लिया और एलसीएम ले लिया मैंने, वो क्या ले लिया, आर सी और आर बी. ठीक है, आर बी सी जैसे मैंने यहां से कॉमन लिया तो आपके पास आर ए बचा हुआ था, जो आर ए है वो जब मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, आर बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा. राइट, प्लस आर बी सी ऑलरेडी कॉमन हो चुका है तो यहां क्या आ जाएगा, आर बी और आर सी. नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, आर बी, आर बी ऑलरेडी था हमारे पास, आर ए और आर सी आ जाएगा. ठीक है, और ये आर सी आर बी यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक आर ई यहां से कैंसल आउट हो जाएगा. आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, आपके पास वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर ए आर बी आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी इक्वल टू आर ए आर बी सी. अब ये आर ए को नीचे ले आओ, तो आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाय आर ए, आर बी आर सी डिवाइडेड बाय आर ए, आर ए आर सी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी सी कैंसिल आउट कर दो. अब और हम क्या लिख सकते हैं, आर बी सी इज इक्वल टू आर बी, कौन से वाला, दिस वन, प्लस आर सी प्लस आर बी आर सी डिवाइडेड बाय आर ए. ठीक है, तो हमने देखा कि जब आर बी सी की बात हो रही है तो एक बार आर बी एक बार आर सी, ओके, फिर प्लस
इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय जो थर्ड आपके पास रेजिस्टेंस था उसको डिवाइड कर दो। ऐसे सिमिलरली आर ए बी की हम बात करते हैं तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए आर बी डिवाइडेड बाय आर सी। ऐसे ही हम बात करते हैं आर सी ए आर सी प्लस आर ए प्लस आर सी आर इंटू आर सी इंटू आर ए डिवाइडेड बाय आर बी। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यूज हो गई डेल्टा की। हमने पहले आर की वैल्यूज निकाल ली, अब हमने डेल्टा की वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हमने इन फॉर्मूलेस को यूज करना है अपने नेटवर्क को सोल्व करने के लिए। अब हम इसको न्यूमेरिकल में सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. न्यूमेरिकल के बारे में स्टडी आउट करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये एक डेल्टा करेक्शन की फॉर्मेशन के अंदर है। तो मैं क्या करता हूं, डेल्टा क्यों पता चला, क्योंकि हमारे पास यहां पर नोड्स है 1 2 3 तीन नोड्स है और डेल्टा के लिए तीन नोड्स चाहिए हमें। ठीक है, हमने क्या किया 100 60 40 100 60 40 इसी के अकॉर्डिंग लिख दिया। जो CED पॉइंट्स है CED पॉइंट्स हमने डिफाइन कर दिए और उसी के साथ RA RB RC डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आप इसको चाहे ये भी कंसीडर कर सकते हैं RC RE and RD, इट्स ऑन यू। ठीक है, मैंने RA RB RC के अकॉर्डिंग कर लिया जैसे हमने डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय तीनों का एडिशन किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों का एडिशन हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। RB को फाइंड आउट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे तीनों का एडिशन, हमने एक 12 ओम निकाल लिया यहां से। ठीक है, और यहां से 30 ओम आया था, ये 12 ओम आया। और RC की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और तीनों को एडिशन कर दिया, ये कर दिया आपने। तो मैंने क्या किया, ये तीनों की वैल्यूज को अब यहां इंप्लीमेंट कर दिया। इस C के साथ क्या था आपके पास RA कनेक्टेड था, E के साथ जो हमारे पास RB कनेक्टेड था और इसके साथ हमारे पास RC कनेक्टेड था। तो हमने इनको ऐसे डिफाइन कर दिया सेम एज इट इज, ओके, बिल्कुल सर्किट को। और मैं आपको सिंपलीफिकेशन के लिए बता देता हूं, इस सर्किट को आप थोड़ा सा टिल्टेड कर लो, मतलब पॉइंट्स को ऐसे ले आओ। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये स्टार बना दिया। अब मुझे यहां से ये पता चला कि जो 80 और 20 है ये दोनों हमारे सीरीज में आ चुके हैं, 12 और 80 ये दोनों सीरीज में आ चुके हैं और ये दोनों जो ब्रांचेस है वो पैरेलल के अंदर है क्योंकि यहां से करंट डिवाइड हो रहा था। तो हमारे पास ये दोनों पैरेलल में, तो मैंने क्या किया आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया, दीस टू आर इन पैरेलल, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, प्लस 30 मैंने इस रेजिस्टेंस को लिया। ओके, जब मैंने इस रेजिस्टेंस को लिया और इस इक्विवेलेंट को सोल्व किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है एलसीएम फॉलो करते हुए 78 ओम। मुझे चाहिए क्या था, करंट आई। करंट आई लेने के लिए मुझे क्या किया, वी बाय आर इक्विवेलेंट, वी 160/78, इसको सोल्व किया तो करंट की वैल्यू आ गई 2.05 एम्पियर। अब आप ये देखो, अगर मैं इस सर्किट को लेता, पहले 1 2 3 इक्वेशन बनाता, 3 इक्वेशन के बाद मैट्रिक्स मेथड यूज करता, इक्विवेलेंट निकालता, तब जाके मैं करंट निकालता। अब मैंने क्या किया, इसको सिंपलीफाई कर दिया और करंट आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी वीडियोस के लिए आप अपडेट रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।